संगठन की ताकत के साथ भाजपा उतरेगी चुनावी मैदान में। फ्री स्कीम के नाम पर कांग्रेस सरकार ने किया 1000 करोड़ का घोटाला, जांच हुई तो सब सामने आएगा। ये कहना था केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का। दरअसल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपनी एक दिवसीय निजी यात्रा के तहत पुष्कर पहुंचे थे। इस दौरान पुष्कर पहुंचने पर विधायक सुरेश रावत के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद शेखावत सावन के अंतिम सोमवार होने के अवसर पर गनेडा स्थित दिव्य मुरारी बापू आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने सहस्त्रधारा के कार्यक्रम में भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के ताकत पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 वर्षों से अपने संगठन को पैना करने के लिए राजस्थान में सक्रिय भूमिका निभा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन की ताकत के आधार पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है और संगठन की शक्ति को निरंतर बढ़ाने के लिए, संगठन के व्याप को बढ़ाने के लिए, हमारे संगठन की ताकत का पैनापन बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार वर्ष पर्यंत 5 साल तक सक्रिय रहती है। भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दलों की तरह नहीं है कि सिर्फ चुनाव के समय 2-3 महीने में कोई काम करें, अंतिम समय में जाकर के हम सामाजिक सरोकार के विषयों के साथ में जुड़ करके बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी लोग निरंतर सक्रिय रहते हैं और जनता के साथ में जुड़े रहकर के अपने काम। सर, ये आगामी दिनों में जो मुफ्त परियोजनाएं सरकार दे रही है, क्या चुनावों में इसका इम्पैक्ट देखने को मुझे लगता है कि आधी मुफ्त परियोजनाओं का तो जनता के सामने खुलासा हो चुका है। मुफ्त बिजली की बात की थी, लेकिन अब लोग बिजली को ढूंढ रहे हैं। किसानों की बिजली की बात की थी फ्री देने की, किसान बिजली के अभाव में त्राही त्राही कर रहा है, लोगों की फसलें बर्बाद हो चुकी है। खड़ी फसल पर लोहावट में, ओसिया में, गोपालगढ़ में, उधर फलौदी में लोगों को जो है तवियां निकाल करके फसलों को ज़मीन में दबाना पड़ा। ये अन्नपूर्णा की बात कर रहे थे, उसकी हकीकत आप सबके सामने। 24,000 पैकेट ऐसे जनता को उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हुए, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करते हुए भेज दिए गए, जिनकी जांच होने पर जिनको घटिया क्वालिटी का पाया गया। ये तो केवल एक सैंपल की जांच हुई। अगर राजस्थान भर के सैंपल की जांच होती तो इस 1000 करोड़ के भ्रष्टाचार के माध्यम से या 1000 करोड़ अपने कब्जे में डालने के लिए राजस्थान के कितनी करोड़ लोगों के साथ में इन्होंने खिलवाड़ किया है, ये अब जनता के सामने स्पष्ट हो चुका है। भाजपा कार्यकर्ता आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी की पुष्कर यात्रा के दौरान चेयरमैन पाठक साहब, शिवसरू जी महर्षि, MLA साहब के नेतृत्व में समस्त पुष्कर के भाजपा कार्यकर्ताओं, पार्षदगणों ने स्वागत किया है और केंद्रीय मंत्री आज एक निजी कार्यक्रम में यहाँ पुष्कर पधारे थे तो सब ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। हमारे यहाँ नर्सरी में थाईलैंड, मलेशिया, महाराष्ट्र, MP, कर्नाटक, बेंगलोर, UP में पाए जाने वाले फ्लो के पौधे और आयुर्वेदिक वास्तु नक्षत्र के पौधे मिलने का एकमात्र स्थान धनराज नर्सरी फॉर्म, नागौर रोड, पुष्कर कोटी।